क्लास टेंथ। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको 1.1 समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये 5 नंबर्स दे रखे हैं, इनको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करके बताना है। एक्चुअल में प्राइम फैक्टर का एक्चुअल मीनिंग एलसीएम से रिलेट है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पार्ट्स दिए गए हैं पांचों, इनका हम एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं करना। प्राइम फैक्टर में शो करने का मतलब है कि एलसीएम लेना है। जैसे 140 है, 140 का एलसीएम लेंगे और सबसे छोटे नंबर से एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से करेंगे, 27 द 40, 0 का 0 आ गया। अगेन 2 से करेंगे, 2, 3 द 6, 25 द 10। अब 35 5 के टेबल में आता है, 57 द 35 एंड देन 7। ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टर शो। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अब ये देख लो। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 140 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट एक बार दोबारा करके बता देती हूँ, बाकी 3 पार्ट आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट है 156 का एलसीएम ले लेते हैं। 156 का एलसीएम है, 2 से करेंगे, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे हम। 27 द 14, 28 द 16, देन 23 द 6, 29 द 18, देन 23 द 6, 29 द 18, ठीक है। 31 द 3, 33 द 9 एंड देन 13। तो इसके फैक्टर्स हो गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 156 के इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13 आंसर आ गया। 27 द 14, 28 द 16 और 23 द 6, 29 द 18, ठीक है। तो ये हो गया, और बाकी ये आपको 3 पार्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेम इसी पैटर्न से होमवर्क में करना है। आप एक बार मेथड दोबारा चेक कर लो। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे 3 पार्ट्स का, और फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई ये करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक। अब देखते हैं नोटबुक में, ये 3 पार्ट्स हैं, 2 आपको एक मैं समझाऊंगी, 2 आपको होमवर्क में करने हैं। सेम फॉर्मूला, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 2 नंबर्स का, ठीक है। तो 26 का एलसीएम ले लेते हैं पहले हम, इसका प्राइम फैक्टर नंबर कर लेते हैं 26, 2 1 द 2, 2 3 द 6 और 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 13 1 द 30। अब यहां पर 91 का ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 91 का लिया हमने, तो 91 का लिया, 91 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 9 आता है, 1 नहीं आता, 4 में तो आता ही नहीं है, 5 7 में जाएगा, 7 1 द 7, 2 बचा और 7 3 द 21 और यहाँ पर 13 और 13 अपने टेबल में आता, तो ये दोनों प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हम एचसीएफ निकालेंगे पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर है ना, वो निकालना है। तो इन दोनों में हम देखेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 है और 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 है। अब यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है, 13। आप देखो दोनों में कॉमन 13 आ रहा है, तो मेरा एचसीएफ जो हो गया वो 13 हो गया, दोनों में कॉमन है। अब हम देखेंगे एलसीएम, इन्हीं दोनों को एलसीएम में निकालना है। एलसीएम में फिर यही लिखेंगे, 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13
और 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। एलसीएम के अंदर हम कॉमन नंबर तो लेंगे क्योंकि लिस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक तो सबसे कम वाले फैक्टर भी हो गए, 2 मल्टीप्लाई 7 दोनों में आ रहा है, और यहां पर 13 कॉमन है तो कॉमन वाला नंबर सिर्फ सिंगल लेंगे हम, दोनों नहीं लेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस देख लो, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला फैक्टर लिखना है, जो नॉन कॉमन है उनको नहीं लिखना, ठीक। और जो एलसीएम में है उसमें दोनों लिखने हैं, नॉन कॉमन और कॉमन फैक्टर, दोनों में डिफरेंस समझ लो एलसीएम और एचसीएफ में। अच्छा, इसके बाद अब हमें इसका था एलसीएम आ गया हमारा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 182 आ गया, और एचसीएफ में कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए एचसीएफ इतना हो गया। अब हम करेंगे वेरीफाई, वेरीफाई की इक्वेशन थी यहां पर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स तो हमें दे रखे हैं, देखो इसमें ये दो हैं, इसमें ये दो नंबर्स हैं, इसमें ये दो नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देख लो क्वेश्चन पूरा, जैसे जैसे स्टेप लिखा है मैंने वैसे वैसे ही आपको स्टेप लिखकर सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, सेम ऐसे स्टेप करते जाना, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू लिख देंगे 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू लिख देंगे 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या थे हमारे 26 एंड 91 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91, तो 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ जाएगा आंसर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2366 आ जाएगा, तो हेंस प्रूव्ड। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है सेम ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी इधर उधर वर्ड नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम और एचसीएफ निकाला था दो नंबर्स का, ठीक है। अब हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तीन नंबर का, लेकिन इसमें वेरीफाई हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहले की तरह एक पार्ट मैं करवाऊंगी, बाकी दो पार्ट जो हैं आप होमवर्क में करोगे, ठीक। ये दो पार्ट आपके होमवर्क में है, ठीक है। 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, पहले तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 12 का निकालेंगे हम, 12 का निकालेंगे जब तो लिखेंगे 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3, ठीक। 15 का हमने एलसीएम लिया तो 15 का आ जाएगा 3 5 द 15 और 5 1 द 5, और 21 का लेंगे एलसीएम तो 21 का आएगा 3 7 द 21 और 7 1 द 7, ठीक। देख लो अब हम इनको फैक्टर्स को इनके नंबर्स के आगे लिख देंगे 12 15 और 21, तो 12 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 का है 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 का है 3 मल्टीप्लाई 7। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना बताया था, किस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम वहां दो नंबर का बताया था, यहां पर आपको तीन नंबर्स का बता रही हूं। एचसीएफ निकालना हमें 12 15 एंड 21 का, ठीक। यहां पर एलसीएम हमें निकालना है तीन, इन्हीं तीनों नंबर का, 12 15 एंड 21 का, ठीक। अब देखो इसमें एचसीएफ निकलेगा हमारा जो कॉमन फैक्टर है,
HCF जो है हमारा कॉमन फैक्टर है, इन तीनों में हमारा कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है और कोई नहीं आ रहा, देख लो। तो HCF आ गया हमारा 3। अब LCM, LCM में हमने कॉमन नंबर भी लिखना और नॉन कॉमन कॉमन नंबर भी लिखना है, तो 2 × 2 × 3, 3 × 5 और 3 × 7। हमने LCM के अंदर पहले तो हम HCF वाला ये 3 लिख लेते हैं यहाँ पर बस, अब हमने 3 दोबारा नहीं लिखना। अब बाकी जो नंबर्स रह गए हैं वो वाले लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, हो गए पूरे नंबर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सब नंबर्स को, तो LCM मेरा आ जाएगा 420। क्वेश्चन डन, यही हमारा क्वेश्चन था, हमें यही करना था इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। आप देख लो एक बार, और सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आप होमवर्क में करोगे, सेम इसी स्टेप्स के साथ सेम ऐसे ही करोगे। हाँ जी क्लास टेंथ, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन दैट HCF 306659, HCF इन दोनों नंबर का HCF है 9, फाइंड LCM 306657, इसी नंबर का हमें LCM निकालना है, HCF उन्होंने दे रखा है। तो नोटबुक में देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 306, सेकंड नंबर हमें दे रखा है 657। ये गिवन वाला लिख रही हूं मैं सारा जो हमें गिवन है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसमें HCF हमें दे रखा है 9, इन दोनों नंबर का HCF हमें 9 दे रखा है, आप ऊपर क्वेश्चन में देखो, ठीक। निकालना क्या है हमें, LCM जो हमें निकालना होता है, एक इस HCF और LCM को निकालने का भी एक फॉर्मूला है, पीछे हम कर चुके हैं वो फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दो नंबर्स मेरे ये हैं 1 और 2, 306 और 657, LCM इंटू HCF। LCM तो मुझे दिया ही नहीं है, तो ये तो मुझे निकालना है LCM, और इंटू HCF मुझे दे रखा है 9 है, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 मल्टीप्लाई 657, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे लिखते चले जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। देखो अब LCM निकालना है, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9, नीचे आ जाएगा वो, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 9 × 9 9 × 18 9 × 3 × 27, LCM बचा, यहाँ रफ में मैं डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ कि 306 9 से डिवाइड करा तो 9 × 3 × 27 27, 30 में से 27 गए 36 और 9 × 4 = 36, रिमाइंडर हो गया 0, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 34, ठीक। अब हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 2 मतलब 34 मल्टीप्लाई 657, नीचे तो 1 आ गया। LCM इज इक्वल टू 2 2 3 3 8, आंसर आ गया। क्वेश्चन देख लो सारा, आंसर आ गया मेरा, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है और कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया। क्लास 10th, अब हम क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
ठीक क्वेश्चन समझते हैं पहले। 6 की पावर n हो और वो एंड हो जाए 0 पे फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n जो है नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 कोई भी पावर हो, नेचुरल नंबर कोई भी पावर हो, तो जब इसकी कोई भी पावर होगी ना तो ये वाला जो नंबर है एंड विद 0 हो जाए, एंड विद 0 हो जाए, इसकी पावर 10 कर दो या 100 कर दो, इसकी पावर जो है 2, 5, 7, 8, तो नीचे वाला नंबर जब हम खोल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, खोलेंगे इस नंबर को, जैसे 6 की पावर 2 हो जाएगी तो 6 × 6 = 36 हो गया। वो कह रहा है यहां पर 0 होना चाहिए, 360 हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये एग्जांपल है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इफ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर 0 पर एंड होगा, ठीक है, तो उसका मतलब है उसके प्राइम फैक्टर्स जो है ना मस्ट बी 2 × 5, 10 तो हो, उसके फैक्टर्स 10 होंगे, 5 × 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, सो ऑन। तो इसी नंबर को तो उसने 0 पे लाना, तो उसका प्राइम फैक्टर जो है 2 या 5 होना चाहिए, 2, 5 होना चाहिए, 10 तो होना चाहिए ना। तो 6 की पावर n इक्वल्स टू, इसको अगर तोड़ेंगे, 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 आ गया, और n तो कोई भी पावर हो जाएगी, तो 6n कैन नॉट बी एंड विद 0, कहीं पर भी एंड नहीं हो सकता इसका 0 पर। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता एंड 0 पर, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन ऑफ 2 × 5, 2 × 5, इसके फैक्टर ही नहीं बन रही है, 2 तो है लेकिन यहां पर 5 नहीं है, यहां पर 3 है, तो इसलिए इसको 0 से ये एंड नहीं हो सकता नंबर कभी भी। बस इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की तो जरूरत है नहीं, जैसे स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो कर लो, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था उसी को उसी हिसाब से सॉल्व कर दिया, बस सीधी सीधी बात पूछी थी कि 6 का फैक्टर करने पर वो 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, तो वो बता दिया हमने कि वो नहीं हो सकता क्योंकि 6 के फैक्टर ही 2 और 3 बन रहे हैं, जबकि हमें फैक्टर चाहिए 2 और 5। बस सिंपल। 10th क्लास, अब हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कल में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, उस एक फील्ड का जो है एक बार में राउंड वो 18 मिनट्स में पूरा करती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि भी उसी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है। अब बताना है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों ने स्टार्ट करा, एक ही डायरेक्शन में चलते गए, और कितने मिनट्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोबारा समझो कि सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड सर्कुलर पाथ का। एक सर्कुलर पाथ है, देखो डायग्राम में मैं बताऊं आपको, एक सर्कुलर पाथ है, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वो चलना शुरू होती है सोनिया, तो इस पूरे राउंड को जब पूरा करती है सोनिया तो 18 मिनट्स लेती है, तो सोनिया का टाइम है 18 मिनट्स, ठीक है।
और रवि का, इधर से रवि स्टार्ट करता है तो वापस आने का उसका टाइम है 12 मिनट्स। अब ये दोनों ने तो अलग अलग करा, अब दोनों इकट्ठे करेंगे, दोनों इकट्ठे कर चलना शुरू करेंगे तो कितने राउंड्स बाद, वो राउंड्स तो पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में, तो वो पूछ रहा है कि कितने मिनट्स बाद वो यहां पर आकर मिलेंगे, मतलब कितने राउंड्स पूरे होने पर वो यहां पर एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड और वहीं पर रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब इसमें जब निकालना है तो हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। ठीक है, अब लिखते हैं हम एलसीएम, 18 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 3, 12 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3। पहले तो हम कॉमन वाले लेंगे, ये एक कॉमन फैक्टर है तो इसका सिंगल एक नंबर लिखा जाएगा, ये कॉमन नंबर है तो इसका भी एक नंबर लिखा जाएगा, ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको सिंगल सिंगल लिखा जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, एक तो सिंगल 2 हो गया और एक ये सिंगल 3 हो गया, ये तो कॉमन वाले हो गए। अब नॉन कॉमन लिखेंगे 3 और 2, बस अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 द 6, 6 3 द 18, 18 2 द 36। तो आंसर आ गया 36 मिनट्स, बस ये हो गया आंसर। देख लो एक बार, चेक कर लो, 36 मिनट्स बाद वो दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे।